So hello everyone, today we will discuss one more topic, FPO, Farmer Producer Organization or Farmer Producer Company. So student, आज का जो session है, basically हम लोग इसमें FPO क्या है, what is FPO, इसको cover करेंगे, objective of FPO, इसको cover करेंगे, feature of producer organization, principle, who can promote FPOs, ranges of services provided by FPO, activities of FPO, structure of FPO and step of FPO formation. So इतने जो point हैं इसको आज वाले session में मैं discuss करूँगा. Basically हम लोग start करते हैं कि FPO क्या है. तो basically जो FPO को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कृषि उत्पादन संगठन. तो केंद्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए और किसानों को सहायता प्रदान करके उन्हें समृद्ध बनाने की एक योजना बन रही है या योजना है ये. इसके द्वारा एफपीओ द्वारा किसानों को समूह, मतलब इसके द्वारा क्या है कि किसानों को समूह को तैयार किया जाएगा. एफपीओ जो किसानों का एक समूह है, बेसिकली समूह होता है जिसमें किसानों के कृषि उत्पादक के कार्य को बढ़ाया जाता है, मतलब जो भी उनके प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसको बढ़ाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एफपीओ. देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान एफपीओ का जो आरंभ है वो यूपी के चित्रकूट जिले से इन्होंने किया है और योजना के संचालन के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. एफपीओ के माध्यम से किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम प्राप्त हो सकेंगे. इस तो एफपीओ का फुल फॉर्म अगर बेसिकली देखा जाए, एफपीओ कैसे बनाया ऑलरेडी मैंने इसको बताया आपको, और एफपीओ को हिंदी भाषा में कृषि निर्माता कंपनी तथा अंग्रेजी में इनको इसका फुल फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है. तो बेसिकली एफपीओ के बारे में है. एफपीओ बेसिकली क्या है, तो ये किसानों का एक संगठित समूह होता है जिसका कार्य कृषि उत्पादन कार्यों को बढ़ाना होता है. बेसिकली इनका वर्क क्या होता है कि जी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज उनको बढ़ावा करते हैं और कृषि से संबंधित व्यवसाय गतिविधियों के बारे में किसानों को बताना और एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्रीप्रेन्योरशिप या कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं वो किसानों को उसके बारे में बताते हैं. यदि किसान भाई चाहे तो समूह बनाकर कंपनी एक्ट में रजिस्टर कर एफपीओ तैयार कर सकते हैं. तो जो कंपनी एक्ट 1816 में आया था उसके बेसिस पे आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. एफपीओ कृषि करने वाले किसानों तथा व्यवसायिक गतिविधियों को चलाने वाले समान विचार रखने वाले किसानों एक या अधिक से गाँव के किसान मिलकर इस तरह के समूह को स्वयं तैयार कर सकते हैं. तो ये किसान जो होते हैं और व्यवसायिक गतिविधि जो चलाने वाले होते हैं एक समान उनका विचार होना चाहिए. वो एक विलेज से हो या किसी अदर विलेज से हो, वो सब मिलकर एक स्वयं समूह तैयार कर सकते हैं. एफपीओ का फायदा यह होगा कि किसानों को अपनी फसल के अच्छे दाम प्राप्त हो सकेंगे और खरीदारों को भी उचित मूल्य पर उत्पादन प्राप्त होगा. इसके अलावा वह व्यक्ति जो अपनी फसल को बेचने के लिए अकेले चला जाता है उसका मुनाफा बिचौलिए जो मिडिल मैन होते हैं को मिलता है. एफपीओ में आवेदन कर किसान अनेक प्रकार के लाभों को प्राप्त कर सकते हैं. देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो पहले टाइम पर छोड़ चुके हैं कि देश में वर्ष 2019-20 में और लेकर 23-24 तक तकरीबन 10,000 नए एफपीओ का संगठन किया जाएगा, उन्होंने बोला था उस समय, जिसमें किसानों में सामूहिक शक्ति का विस्तार रहेगा. तो ये एफपीओ की बेसिकली चीज़ हैं. और हम लोग देखें कि एफपीओ अगर देखा जाए तो जो हमारे मार्जिन और स्मॉल मीडियम लेवल के फार्मर होते हैं, सीमांत और लघु किसानों का बेसिकली ये समूह होता है. इस समूह में जो किसान जुड़े होते हैं वो अपनी उपज के अच्छे दाम मिल जाते हैं उनको. उन्हें खाद हो गया, बीज हो गया, दवाइयाँ हो गया, कृषि उपकरण जो हैं वो खरीदने में आसानी हो जाती है एफपीओ से जुड़ने के बाद. किसानों द्वारा एफपीओ समूह को अगर संगठित करने के बाद मिलने वाली जो मिलती हैं सेवाएँ वो सस्ते दामों में मिलती हैं. इसमें मतलब मिडिल मैन का कोई रोल नहीं होता. इस एफपीओ के माध्यम से किसान अपने उत्पादन के अच्छे दामों पर बेच सकते हैं, सीधा मार्केट उनको मिल जाएगा. एफपीओ संगठन समूह तैयार करने के बाद किसानों के मतलब एक क्या है कि कोऑपरेटिव भावना उनके अंदर आती है, ये होता है. और गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि जो आने वाले 5th ईयर है उसमें 10,000 और नए एफपीओ बनाए जाएँ. तो ये बेसिकली एफपीओ अगर देख ली आप, बेसिकली अगर आपको बनाना है तो देश का कोई भी किसान एफपीओ सदस्य बन सकता है और मिनिमम 10% होते हैं इसको संगठन बनाने के लिए. एक संगठन में अधिकतम 1,000 को जोड़ा जा सकता है. एक किसान चलाने वाले संगठन एक मतलब क्या है कि आप 1,000 रुपये दे के 1,00,000 के कैपिटल से वर्किंग कैपिटल से आप जुड़ सकेंगे. मतलब आप फार्मर है 1,000 उसमें दीजिए रजिस्ट्रेशन कराइए, आप 1,00,000 का आपकी वर्किंग कैपिटल हो जाती है. किसानों को आवेदन करने के लिए मतलब एक मिनिमम जो शुल्क होता है, प्राइस होता है, वो देना पड़ता है. और जो CSC या विलेज लेवल वर्कर होते हैं वो इसमें नहीं जुड़ सकते हैं. तो ये बेसिकली जो ब्रीफ था एफपीओ का उसको मैंने कवर किया. अब इसमें देखा जाए कि एफपीओ ये क्या है. प्रोड्यूसर कंपनी इज ए लीगल इंटाइटली फॉर्म बाई प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फार्मर रजिस्टर्ड अंडर कंपनी
एक्ट 2013, तो मतलब अंडर जो कंपनी एक्ट थी 2013 उसके बेसिस पे या पीओ का फॉर्मेशन हुआ या प्रोड्यूसर कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। प्रोड्यूसर कंपनी ग्रुप ऑफ फार्मर हैज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेंबरशिप कॉमन इंटरेस्ट फार्मर स्ट्रक्चर एंड डेवलपिंग टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट बेनिफिट द फार्मर। तो जो प्रोड्यूसर कंपनी होती है, जो फार्मर होते हैं, उनका क्या है कि एक लेवल का थिंकिंग होती है, एक लेवल के उनके सिद्धांत होते हैं, उनके इंटरेस्ट जो सेम होते हैं, उनके फार्मर स्ट्रक्चर जो सेम होते हैं, और उनकी टेक्निकल जो नॉलेज होती है और इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो सेम होता है, और वो उस नॉलेज का और अपने इकोनॉमिक कंडीशन का यूज करके फार्मर के कंडीशन में चेंज लाते हैं। ऑब्जेक्टिव है पीओ, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन करना, हार्वेस्टिंग करना, प्रोसेसिंग करना, प्रोक्योरमेंट करना, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग एंड एक्सपोर्ट, प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स, ये प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च फॉर प्रमोशन ऑफ मेंबर्स इंटरेस्ट। तो टेक्निकल सर्विस और कंसल्टेंसी मतलब सलाह वाली सर्विस जो सर्विसेज होती है, ट्रेनिंग करना, एजुकेशन करना, रिसर्च करना और प्रमोट करना मेंबरशिप इंटरेस्ट को, ये भी वर्क होता है। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, देयर यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस। तो जनरेट करना और जो प्रॉपर पावर वगैरह उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, लैंड वाटर रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज करना और उनको कंजर्व करना, ये भी एक है। नेक्स्ट प्रमोशन, म्यूचुअल असिस्टेंट, वेलफेयर मेजर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस। तो क्या है कि उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना फार्मर के बीच में। वेलफेयर मेजर मतलब एक सामाजिक जो संगठन होता है उसको आप मेजर कर सकते हैं इससे, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये एफपीओ की बेसिकली वर्क। फीचर अगर देखा जाए तो फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर फॉर आइदर फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटी। तो ये फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटी दोनों के लिए इसका फॉर्मेशन होता है। ए रजिस्टर्ड एंड लीगल एंटिटी, एक रजिस्टर्ड मतलब एक जो रजिस्टर्ड होता है और एक रजिस्टर्ड और सरकारी संगठन से जुड़ी मतलब ये जुड़ा होता है, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करता है। प्रोड्यूसर और स्टॉक होल्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो प्रोड्यूसर जुड़े होते हैं वो स्टॉक होल्डर होता है, उनका शेयर होता है उसमें। इट डील विद बिजनेस एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस, और इसका ये बिजनेस एक्टिविटी जो इसका होता है वो प्राइमरी प्रोडक्शन करना होता है। मिनिमम 10 मेंबर्स आर 2 इंस्टीट्यूशनल मेंबर बट नो लिमिट आर मैक्सिमम नंबर। तो बेसिकली मिनिमम 10 मेंबर होते हैं और 2 इंस्टीट्यूशनल होते हैं। एक जो मैक्सिमम लिमिट होती है 1000 होती है, बट अब क्या इसको धीरे धीरे रिड्यूस किया जा रहा है और मैक्सिमम लिमिट का कोई प्रावधान नहीं होता है। डायरेक्टर्स ऑफ एपीओ रेंज बिटवीन 5 to 15, जिसमें डायरेक्टर होते हैं 5 to 15 होते हैं। मिनिमम पैड ऑफ कैपिटल ऑफ एपीओ, तो जो मिनिमम किसी भी एक एपीओ की कैपिटल होती है वो 1 लाख होती है। ऑथराइज कैपिटल जो होती है वो नॉट कैन मोर देन 5 लाख, मतलब 5 लाख ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मेंबर इक्विटी शेयर कैन नॉट बी ट्रेडेड बट टू बी ट्रांसफर्ड, मतलब क्या है, जो मेंबर्स के होते हैं वो अपना जो शेयर होते हैं उसको वो बेच नहीं सकते, बस क्या ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे मेंबर्स को। प्रिंसिपल अगर देखा जाए, वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप होता है, मतलब इसमें स्वैच्छिक और खुला होता है, किसी ऊपर प्रेशर कोई नहीं होता। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट ऑफ फार्मर मेंबर, एक जो स्वतंत्र मतलब लोकतांत्रिक की तरह वर्क करता है, सबके सहमति से सबको मेंबरशिप दिया जाता है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, नो मार्केट एंड टेक्नोलॉजी, मतलब क्या है कि ट्रेन दिया जाता है और एजुकेशन देना जाता है मार्केटिंग टेक्नोलॉजी जो नए नए आते हैं उसके बारे में, नए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में। फार्मर मेंबर पार्टिसिपेशन, फार्मर जो होते हैं और जो मेंबर होते हैं उनका प्रॉपरली इंट्रैक्शन होता है। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, मतलब जो जुड़े होते हैं वो ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस धीरे धीरे स्वावलंबी होते जाते हैं। कंसर्न फॉर कमिटी, मतलब कमिटी डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है। हु कैन प्रमोट एफपीओ, तो एफपीओ का प्रमोशन कैसे होता है, सबसे ज़्यादा जो उसका प्रमोशन करता है एफएसी, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, यही इसको डील करता है। नेक्स्ट हमारा नाबार्ड होता है, इससे फंड इसको मिलता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY से मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ से इसको फंड मिलता है और इसको प्रमोट करता है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एड एजेंसीज होती है और NGOs होते हैं, वो डील करते हैं इनके एक्टिविटीज़ को, इनको फंड से, इनके रूल और रेगुलेशन को। रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई एफपीओ, तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो एफपीओ प्रोवाइड कराता है, जैसे इनपुट सप्लाई एंड कस्टम हेयरिंग ऑफ इक्विपमेंट, तो जो इनपुट होता है उसको सप्लाई कराता है और इक्विपमेंट या जो टूल्स होते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड उसको प्रोवाइड कराता है। ऑपरेशन ऑफ CSC फॉर प्रोसेसिंग पैकेजिंग स्टोरेज, और ऑपरेशन करता है CSC कम्युनिटी सर्विस सेंटर जो होते हैं, जो प्रोसेस पैकेजिंग इन सबका स्टोरेज का काम करते हैं उसको भी ऑपरेट करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस फैसिलिटी फॉर क्रॉप, तो इंश्योरेंस की या फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। सीड प्रोडक्शन एंड MSP फैसिलिटेशन, सीड को प्रोड्यूस करता है और MSP में डायरेक्ट उसको सेल कराता है आपके प्रोडक्ट को। ज्वाइंट मार्केटिंग ऑफ प्रोसेसर्स रिटेलर एंड मार्केट लिंकेज, डायरेक्टली सेल कराता है आपके प्रोडक्ट को। टेक्निकल सर्विस देता है, प्रोसेसिंग सर्विसेज देता है, नेटवर्क सर्विसेज देता है और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है।
एक्टिविटीज क्या क्या करता है। पहला क्या, प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट, इनपुट को प्रोक्योरमेंट करता है, खरीदारी करता है। डिसिमिनेशन ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन ये करता है। फैसिलिटेटिंग फाइनेंस फॉर इनपुट, इनपुट खरीद के लिए के फाइनेंस की फैसिलिटीज देता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस कराता है। प्राइमरी प्रोसेसिंग लाइन ड्राइंग क्लीनिंग एंड डे ग्रेडिंग ये कराता है। क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देता है। पार्टिसिपेशन कराता है। मार्केटिंग इंस्टीट्यूशनल बायर के साथ आपको करवाता है लिंकअप। फार्मर प्रोडक्शन डेवलपमेंट अप्रोच, अगर इसका अप्रोच देखा जाए तो पहला क्या कि बिजनेस प्लानिंग आपके माइंड में थॉट होना चाहिए बिजनेस का। फिर आप रिसोर्स का मोबिलाइजेशन करेंगे, उसका आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस बिजनेस को ऑपरेट आप करेंगे। देन क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोस्टिक ऑफ स्टडी और फिजिबिलिटी क्या है उसमें, मोबिलिटी क्या है, तो ये चेक करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर अगर देखा जाए बेसिकली एपीओ का, तो एक चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मेन इसका होता है, देन आपका जीबी होती है, जनरल बॉडीज होती हैं। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसमें टू लीगल फार्मर पर एफआईजी, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप के बेसिस पे होते हैं, और देन होते हैं आपके फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप एफआईजी होते हैं और फार्मर जुड़े होते हैं सब। तो बेसिकली ये देखा जाए तो पाँच इसके स्टेप में काम करता है। पहला जो इसका हेड चेयरमैन होता है, जनरल बॉडी होती है, देन एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एफआईजी होते हैं और फार्मर जुड़े होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपीओ, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है सीईओ, वो इसका ऑर्गेनाइजेशन को डील करता है, मेन वही इसको ऑपरेट करता है। नेक्स्ट मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, एपीओ स्टाफ होता है और लोकल रिसोर्स पर्सन होते हैं, एलआरपी जो जोड़े जाते हैं। लीगल फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, इसका जो लीगल ऑथराइजेशन होता है वो कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू होता है, और मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 उसके अकॉर्डिंग होता है। प्रोड्यूसर कंपनी अंडर सेक्शन 581C इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 एज अमेंडेड इन 2013। तो ये लीगल एक्टिविटी है। सेक्शन 25 कंपनी ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1866, ये भी इसको लीगल पहचान देता है। स्टेप ऑफ एपीओ फॉर्मेशन, जो इसके स्टेप्स हैं वो बेसिकली हम लोग देखा जाए तो क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो पहला इसमें क्या है कि क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन, आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने रिसोर्सेज का, अपने नीड का, फिर उसका डायग्नोस करेंगे स्टडी करके, उसका आइडेंटिफाई पूरा उसका एनालिसिस करेंगे आप। नेक्स्ट फिजिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी उसको आप देखेंगे, बेस लाइन उसका तैयार करेंगे, बिजनेस की प्लानिंग करेंगे, उसको मोबिलाइजेशन फार्मर का करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग एंड फॉर्मुलेटिंग करेंगे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, बिजनेस ऑपरेशन असेसमेंट एंड ऑडिट, लास्ट में आप उसका फाइनेंशियल और फॉर्म जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन करवा देंगे ऑडिट करके कि क्या इसके रिजल्ट आ रहे हैं। ये इसके स्टेप्स हैं। इन कॉर्पोरेशन ऑफ फॉर्म प्रोड्यूसर कंपनी, तो 10 और मोर प्रोड्यूसर कैन फॉर्म प्रोड्यूसर कंपनी, तो 10 या 10 से अधिक लोग इसको बना सकते हैं। मोर देन 500 प्रोड्यूसर आर आइडियल टू फॉर्म द प्रोड्यूसर कंपनी, मतलब 500 जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एक आइडियल होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। और 15-20 विलेज आर 10-15 किलोमीटर कैन बी पार्ट ऑफ कंपनी, और 10-15-20 विलेज और 10-15 किलोमीटर का जो रेंज होता है वो अच्छा होता है इसके लिए। लीगल फॉर्मेलिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, तो पर्सनल पैन कार्ड फॉर बीओडी मेंबर, जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है उसके लिए पैन कार्ड आवश्यक होता है, डायरेक्टर अकाउंट नंबर आवश्यक होता है, क्लोज मैक्सिमम फोन नेम फॉर द प्रोड्यूसर कंपनी होता है, आर्टिकल फॉर एसोसिएशन होता है, ये सब लीगल अथॉरिटीज हैं कंपनी की। मैनेजमेंट अगर एंड डायरेक्टर से देखा जाए तो नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी 5-15 होते हैं, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर शुड बी इन द बोर्ड, तो मिनिमम एक वुमेन जो बोर्ड में वुमेन होनी चाहिए डायरेक्टर में। डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड विद इन 19 डेज फॉर इनकॉर्पोरेशन, तो ये 90 दिन के लिए कार्य दिवसों के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। तो ये इसकी बेसिकली मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर है। अगर इसका देखा जाए एस्टिमेशन कास्ट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, तो एक प्रोड्यूसर कंपनी स्टार्ट करने के लिए कितना आवश्यक होता है, तो एप्लीकेशन फॉर नाम पीसी 500, डिजिटल सिग्नेचर 2600, स्टाम्प ड्यूटीज 1500, रजिस्ट्रेशन फीस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये सब मिला के 17,200, CA and CS फीस 10,000, स्टाम्प कलेक्शन 300, एफिडेविट एक्सपेंसेस 500, शेयर ट्रांसफर फीस एंड प्रोसेसिंग 500, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000। तो ओवरऑल अगर 14 के एक प्राइमरी या फर्स्ट में स्टार्ट करने के लिए आपको प्रोड्यूसर कंपनी चाहिए, ये सोर्स है SIPC का। तो ये बेसिकली है, आप इसको अगर फॉर्मेलिटी देखेंगे बोर्ड मीटिंग की, तो 4 बोर्ड मीटिंग नीड टू बी डन इन ईयर, एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, ईच डायरेक्टर जो है वो इनवाइट होना चाहिए, और AGM जो है वो फाइनेंशियली इसको एनालिसिस करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। एनुअल जो जनरल मीटिंग होती हैं, और आपको क्या क्या प्रोड्यूसर कंपनी के लिए
बुक कीपिंग करने के आधार लिख के रखना है। मेंबर्स रजिस्टर होते हैं, डायरेक्टर रजिस्टर होते हैं, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर होते हैं, स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक, सेल्स रजिस्टर, परचेज, बैंक स्टेटमेंट, ये आपके लिखित होने चाहिए। और अगर आपको देखा जाए तो रेवेन्यू मॉडल फॉर FSC, इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, तो इसका पहला इनपुट फैसिलिटेशन आप करेंगे, प्राइमरी प्रोसेसिंग सर्विसेज आप लेंगे, MSP फैसिलिटेशन, वहाँ से आप थोड़ा सा एक्शन फीस कलेक्ट करेंगे, कस्टम हेयरिंग करेंगे, वर्किंग कैपिटल को जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, मार्केटिंग लिंकेज, ग्रांट फॉर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, तो ये डिफरेंट जो इनपुट है FPO का वो यहाँ से आपका रेवेन्यू देगा। मेजर स्कीम फॉर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, कौन कौन सी मेजर स्कीम है जो इसको सपोर्ट करती हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सॉयल हेल्थ कार्ड है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ईनेम है, एग्रीकल्चर क्रेडिट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से मेगा फूड पार्क स्कीम, स्कीम फॉर कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन है, स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकग्राउंड ये है, स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर ये है, अदर स्कीम जो है स्फूर्ति मुद्रा लोन स्कीम है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट है, क्रेडिट गारंटी एक्ट, ये सब तो ये सपोर्ट करते हैं मेजर स्कीम जो FPO को। थैंक यू, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपका कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।